हेलो जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फिजिक्स रिसोर्स सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम लोग अपने लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और उसके साथ साथ हम कुछ डेफिनेशंस को भी समझेंगे और कुछ तर्कों को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो में हमें किस चीज़ के बारे में समझना था, हमें जो डिफिनीशन थी वस्तु, वस्तु किसे कहते हैं, वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बारे में समझना था। जो दूसरा चीज़ था प्रतिबिंब, इमेज के बारे में समझना था, इमेज क्या होता है इमेज। तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, केवल इन्हीं दो टॉपिक पर लेंगे, ठीक ना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले वस्तु क्या होता है, ऑब्जेक्ट, वस्तु किसे कहते हैं या फिर आप किसे वस्तु किसे कहेंगे, ठीक ना, ऑब्जेक्ट। आप एक बात का ध्यान देंगे, हम यहाँ पर वस्तु अथवा प्रतिबिंब जिसकी भी बात करेंगे केवल और केवल प्रकाश के संदर्भ में बात करेंगे, आइदर किसी अन्य चीज़ के बारे में हम लोग उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे क्या चीज़ होता है। तो वस्तु, सबसे पहले मैं इसकी डिफिनेशन लिखता हूँ कि इसकी डिफिनेशन क्या होगी। तो प्रकाश के संदर्भ में, प्रकाश के संदर्भ में, प्रकाश के संदर्भ में जिस बिंदु से किरणें निकलकर दर्पण पर आपतित होती हैं उसे वस्तु कहा जाता है, उसे वस्तु कहा जाता है, ठीक। ध्यान समझ लो कि प्रकाश के संदर्भ में जिस बिंदु से किरणें निकलकर दर्पण पर आपतित होती हैं उसे वस्तु कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखो, जैसे हमारे पास दो मिरर ले सकते हैं, मैं दो दर्पण ले सकता हूँ, एक मैं दर्पण ये ले सकता हूँ, ये हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, और ये मैं दर्पण ले लेता हूँ, ये उत्तल दर्पण है। मैं इन दो दर्पणों के लिए बात करूँगा। अगर इस दर्पण के सामने अगर मैं कोई एक ऐसा पॉइंट मान लूँ, इस पॉइंट को मान लूँ कि इस पॉइंट से कुछ किरणें हैं जो इस पर निकल करके इस दर्पण पर पड़ रही हूँ, कुछ इस प्रकार से करके मैं मान लेता हूँ कि तीन किरणें हैं निकल करके दर्पण पर आपतित होती हैं, तो ये जिस बिंदु से निकल रही है ना, जैसे इस पॉइंट से निकल रही हैं, तो इस पॉइंट को हम लोग वस्तु नाम देंगे, ऑब्जेक्ट नाम देंगे। हाँ, ये बात आप लोग इस परिभाषा में ज़रूर याद रखेंगे, हम केवल प्रकाश के संदर्भ की ही बात कर रहे हैं, किसी दूसरे चीज़ की बात नहीं करते। अब देखो, मिरर है, इसके भी सामने मान लेते हैं, कहीं इधर से मान लेते हैं कि इस पॉइंट से किरणें निकल रही हैं, दर्पण पर क्या हो रही हैं, आपतित हो रही हैं, कुछ इस तरीके से करके मान लेते हैं ये दर्पण पर क्या हो रही हैं, आपतित हो रही हैं, ऐसे पड़ रही हैं। परंतु अगर दर्पण का तो ये गुण ही होता है कि अगर उस पर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो उसको क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा, और जब परावर्तित करेगा तो ये किरणें निकल करके किसी भी पॉइंट पर, ठीक ना, किसी भी पॉइंट पर निकल करके एक दूसरे को काट देंगे। जब किसी भी पॉइंट पर निकल कर एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे, ये इनका गुण है, प्रॉपर्टी है कि जिस बिंदु पर जब वो काटेंगे तो जो वो बिंदु है, जो इनका मिलान बिंदु होगा, ठीक है, जिस बिंदु पर वो मिलती हैं उस बिंदु को हम लोग प्रतिबिंब नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब इमेज होता है, और यहाँ पर इस पॉइंट को हम लोग आई दिखा लेते हैं। यहाँ पर सेम करने, देखो किरण तो उधर नहीं जा सकती, परंतु उसका फोकस उधर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर है, तो किरणें क्या करती हैं कि इसी दिशा में कहीं बाहर की तरफ निकल जाती हैं, और ये कहीं पीछे की तरफ आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होती हैं। कुछ इस तरीके से मैं मान लेता हूँ ये किरणें निकल गई, और ये पीछे, ठीक है, ये पीछे अगर इधर कहीं निकल जाती हैं और ये पीछे कहीं एक दूसरे एक किसी पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, तो जिस बिंदु पर मिलती हैं वो बिंदु जो होता है वो क्या कहलाता है, प्रतिबिंब। देखो, मिल नहीं रही हैं, केवल मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, अपसरित होती हैं, मतलब इनका जो मार्ग है ना वो अपसरित हो रहा है, वैसे प्रतीत हो रहा है कि वहाँ से किरणें निकल करके फैल रही हैं। अपसरण का मतलब क्या होता है, फैलना, अपसरित होना का मतलब फैल रही हैं, तो जब वो अपसरित हो रही हैं तो पता चल रहा है ना कि इस बिंदु से निकल करके फैल रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है, ठीक ना। तो अब देखो यहाँ पर किरणें क्या है, वास्तव में काट रही हैं, तो यहाँ का जो प्रतिबिंब बनेगा ये प्रतिबिंब किस प्रकार का होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ठीक ना, वास्तविक रियल इमेज होगा। परंतु यहाँ पर जो रेज है ना वो मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि केवल ये मिल रही है, तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को भी हम लोग क्या नाम देंगे, आभासी नाम देंगे। ये जो प्रतिबिंब होगा, इस प्रतिबिंब को क्या नाम देंगे, आभासी।
चलो एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ और इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक ना। देखो ये प्रतिबिंब है, ये आभासी है ना, तो आभासी प्रतिबिंब पर तो किरणें नहीं होती हैं। देखो किरणें यहीं से निकल करके यहीं पर चली गई, तो आभासी प्रतिबिंब पर किरणें होती ही नहीं हैं, तो हम उसको देख कैसे पाते हैं, हम उसको देख कैसे पाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ये किरण यहाँ पे मिल रही है ना, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब हम लोग इस पॉइंट पर देख पाते हैं, यहाँ पर देख पाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस आभासी प्रतिबिंब पर तो कोई किरण ही नहीं होती है, मतलब कोई किरण यहाँ पर होती नहीं है, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख कैसे पाते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। और इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, या फिर अगर जानते हों तो मेरी तरफ से उन्हें गुड लक, बेहतर, ठीक ना। और नहीं जानते हों तो इसका जवाब जो होगा अगले वीडियो में मैं दूंगा, ठीक ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वस्तु और प्रतिबिंब दोनों समझ में आ गया होगा। अगर आपको प्रतिबिंब की डिफिनेशन लिखना होगा तो आप बताएंगे, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर किरणें अभिसरित होती हैं, मैं लिख दूँ क्या, चलो लिख देता हूँ, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी कि इमेज। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात किरणें जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं, जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं उसे प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। देखो हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। देखो ये हमारी जो परिभाषा है ना, ये पूरी कंप्लीट नहीं है, ठीक ना। ये हमारी जो परिभाषा है पूरी कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है। क्यों नहीं पूर्ण है, क्योंकि हमने प्रतिबिंब हेडिंग दिखा है, प्रतिबिंब, और एग्जाम्पल मैं जो आपका डिफिनेशन लिख दिया हूँ वो वास्तविक प्रतिबिंब का लिख दिया हूँ। तो आप ये चीज़ समझना कि जो प्रतिबिंब होता है दो टाइप का होता है, एक वास्तविक होता है और एक आभासी होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए दर्पण से परावर्तन के पश्चात किरणें जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा जो प्रतिबिंब, आप यहाँ पर आके लिख लेना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक ना। रियल इमेज का ये डिफिनेशन है, वास्तविक प्रतिबिंब का है। अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिए, या लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, ये वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा है, ठीक ना। लेकिन अगर अब मैं इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, और मिटा करके अगर मैं आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा लिखना चाहूँ, तो आभासी प्रतिबिंब अर्थात वर्चुअल इमेज क्या होता है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात किरणें जिस बिंदु से, ध्यान समझना, जिस बिंदु से अपसरित होती हैं, जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं। अब मुझे थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा, मैं इधर का मिटा देता हूँ। दर्पण से परावर्तन के पश्चात किरणें जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं उसे आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है, उसे आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है, ठीक ना। तो मैंने दोनों डिफिनेशन लिख दी बारी बारी से। तो आभासी अपसरित होती हुई, अपसरित का मतलब जिस स्थान से कोई किरणें निकल करके अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग दिशाओं में फैलती हैं, उस बिंदु को शायद, या फिर उस प्रकाशपुंज को हम लोग अपसरित या फिर अपसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। तो अपसारी प्रकाशपुंज का मतलब किरणें जहाँ से निकल करके फैल रही हो, तो जिस बिंदु से अपसरित होती हुई, ऐसा तो लग रहा है ना कि किरणें निकल करके कहीं पीछे से आ रही हैं, तो इस बिंदु को ही हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहेंगे, वर्चुअल इमेज कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वस्तु और प्रतिबिंब समझ में आ गया होगा। आज हम लोग सेशन को काफ़ी छोटा रख रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रयास करूँगा आपको रे डायग्राम और उसके साथ साथ कुछ कंडीशंस, ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस की बताई जाए, मतलब वस्तुओं और प्रतिबिंब के बनने की घटनाओं का भी वर्णन किया जाए। तो मैं प्रयास करूँगा नेक्स्ट, और आप लोग मेरा जवाब देना नहीं भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।